No, impossible! No! Willie, सोचो, please, दिमाग पर जोर डालो, सोचो Willie. हाँ Willie, बताओ, तुम्हारी दादी कभी किसी मेले में गई थी बचपन में? बचपन में? लेकिन बचपन में मेरी दादी तो मर गई थी. तुम्हारी दादी बचपन में ही मर गई थी? तो तुम्हारा इतना बड़ा फैमिली ट्री क्या अन्नत आश्रम से आया? बचपन में मतलब मेरे बचपन में, जब मैं छोटी थी, when I was just a little kid. अरे तुम्हारे बचपन में नहीं, तुम्हारे बचपन में नहीं, दादी के बचपन में. जब दादी छोटी थी तभी वो कभी मेले में गई थी? हाँ गई थी, जब वो 2 साल की थी तब गई थी. ये बताओ कि साथ में कौन था? साथ में उनका बॉयफ्रेंड. व्हाट? तुम्हारी दादी 2 साल की थी तब से बॉयफ्रेंड के साथ मेले में जाती थी? ओह गॉड, डिस्गस्टिंग. तुम तो अब भी अकेले अकेले जाती हो ना मेले में विदाउट बॉयफ्रेंड. ओह गॉड, डिस्गस्टिंग. ओह गॉड, डिस्गस्टिंग मत बोलना, हम दोनों ने बोल दिया है. हाँ शट अप, शट अप. मेरी दादी के जमाने में जब लड़कियां पैदा होती थी तब उनकी मंगनी की जाती थी. मेले में जो बॉयफ्रेंड था ना, वो और कोई नहीं, मेरे दादाजी थे. मेरे पास एक तस्वीर है, ये देखो मेरे दादा, ये एल्बम और दादाजी. अरे हाँ, ये है दादा और दादी. और तुम्हारी दादी की बहन कहाँ है? अरे दादी की बहन तो खो गई होगी मेले में, उसके बाद ये तस्वीर ली होगी ना Willie. मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी दादी की कोई बहन नहीं है. स्टूपिड. अरे होगी बहन, होगी यार Willie. ओह गॉड, अब मैं Willie पर विश्वास करूं या इस खत पर? खत पर? Willie, मैंने इसे 10 बार पढ़ा है. मैंने तो एक ही बार पढ़ा है, क्योंकि मुझे एक बार में ही अंग्रेजी समझ में आ जाती है. बेवकूफ, तुम्हें ये सिर्फ एक खत लग रहा है? अरे जरा सोचो, ये अमेरिका से आया है. तो अमेरिका से आया है तो क्या खत खत नहीं लगेगा क्या? ये कोई मामूली खत नहीं. स्टेला नाम की लड़की जो यहाँ आने वाली है वो Willie की मम्मी की मौसेरी बहन की बेटी है. हमें स्टेला की बच्ची को किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लड़की नहीं. लड़की नहीं? हाँ, लड़की नहीं, ग्रीन कार्ड है. ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड? ग्रीन कार्ड हो या राशन कार्ड, लेकिन मैं उसी पर क्यों बोल लूं? अरे यार, 4 दिन का ही तो सवाल है. स्टेला जो तुम्हें अपनी बहन कह रही है वो इंडिया में इंडियन कल्चर सीखने आ रही है, 4 हफ्ते के बाद चली जाएगी, बात खत्म. नहीं नहीं Vicky, अगर वो फ्रॉड निकली तो? नहीं हो सकता. ये देखो, यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिखा हुआ उसका ये खत, वो इंडियन फेस्टिवल के ऊपर रिसर्च करने आ रही है. और तुम्हें तो पता है कि 4 दिन के बाद दिवाली है, क्या बुरा है अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है? अगर उसे इंडियन फेस्टिवल्स पे रिसर्च करनी है तो कहीं और जाके करे. हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ आई हुई फॉरेनर को हम किसी और को डोनेट कर दें. वो फॉरेनर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मेरी दादी की बहन की पोती है, वो फॉरेनर नहीं हो सकती. Willie, उसने अपनी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी है, उसमें इंडियन कहने लायक कुछ बचा ही नहीं होगा. अरे उसने तो इंडिया देखा तक नहीं. Willie प्लीज मान जाओ. नहीं नहीं, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि मेरी दादी की कोई बहन ही नहीं थी. तो अगर वो फिर भी नहीं माने ना, तो उसके बाल पकड़ के सब समझा दूंगी. हाँ बाल. अरे Willie सोचो, अगर स्टेला यहाँ आई तो तुम्हें लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स के बारे में पता चलेगा, नई लिपस्टिक्स, नया म्यूजिक. और फिर तुम्हें तो पता है कि यहाँ फैशन 4-5 साल के बाद आती है. सोचो, तुम अमेरिका के साथ कदम मिलाकर चल सकती हो. और अमेरिका? हाँ. नहीं नहीं Vicky, अगर वो मेरी बहन नहीं कोई और निकली तो? अरे यार, अच्छे काम में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम तो उसकी मदद कर रहे हैं ना. हाँ. उसे इंडियन कल्चर सिखा रहे ना. एंड यू नो, मेहमान का स्वागत करना इंडियंस का फर्ज होता है. और अगर वो मेहमान एक फॉरेनर निकली तो वाह, क्या बात है. चलो स्वागत के लिए सब तैयारियां करते. कमर कमर. मतलब तुम मान गई? यस यस यस, थैंक यू Willie. लेकिन Vicky, हमें उसे इंडियन कल्चर सिखाना होगा ना. हाँ. फिर ये इंडियन कल्चर होता क्या है? डिस्गस्टिंग ना. चलो Willie, जल्दी करो. Willie, Willie जल्दी करो. ओ, चलो. लगता है कपड़ों के पहाड़ के नीचे दब गया हूँ. एडम, तू तो ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमा करता था ना, मुझे तेरी ईर्ष्या हो रही यार. काश मैं भी तेरी तरह ऐसे ही. मैं गिर तो नहीं जाऊंगी ना. स्टेला के सामने ऐसी बकवास मत करना. उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे हम इंडियंस के रोज के पहनने के ड्रेस है, समझे? क्यों, रास्ते में आते जाते दूसरे इंडियंस को नहीं देखने वाली है क्या? वो प्लेन से आएंगी. स्टूपिड. हाँ हाँ Vicky. हाँ. मगर तुम उसे इतना इम्प्रेस करना क्यों चाहती हो?
तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे लिए वो एक सिर्फ फॉरेनर है, लेकिन मेरे लिए एक सीढ़ी, एनआरआई बनने की सीढ़ी। मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं, लगता है वो आ गई। कला करो, शुरू हो जाओ। एनआरआई बनने की? ओ अच्छा, इसलिए ये हमें ऐसा जोकर बनने को कहती है। हाय स्टेला। नमस्कार नमस्कार। ऑस्कार ऑस्कार। तुम नहीं समझो, ये अमेरिकन इंग्लिश है, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, समझे? ये हाय स्टेला, वेलकम वेलकम, धन्यवाद धन्यवाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मनहूस मेले में हमारी दादियां बिछड़ गई थी, वरना आज हम एक दूसरे के सामने यूं अजनबी की तरह नहीं खड़े रहते, है ना? Oh God! तुम लिपस्टिक्स तो लाई हो ना? What मेला? इसका मतलब ये है कि दुनिया एक मेला है, यहाँ कोई मिलता है कोई बिछड़ता है। हाँ, मेरा यही कहना था यही कहना था। तुम लिपस्टिक्स तो लाई हो ना? By the way, Stella, I'm Vicky. This is Winnie, and this is your sister, Billy. Winnie, Winnie. How do you do? I'm fine, thank you. मैं आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ थोड़े दिन रहेगी, मैं जानती हूँ मेरा यहाँ रहना आप लोग के लिए असुविधाजनक होगा। ये असुविधाजनक को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझे भी नहीं मालूम। नो नो स्टेला, इट्स अवर प्लेजर। और वैसे भी जब मैं वहां आऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी ना? व्हाट? मेरा मतलब है कमरे में। नो वे, ये मेरी बहन है। अरे बहन तुम्हारी है लेकिन दोस्त तुम सबकी है ना? हमारा ब्लड रिलेशन है। सब इट सब इट, मैं रह लूंगा स्टेला के साथ बस। सो स्वीट, आप लोग का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब मेरे को समझ में आया हिंदुस्तान को प्यार का भूमि क्यों कहा जाता है। हम एक काम करेंगे, मैं बारी बारी आप सबके साथ रहेगी। ओके चलेगा, क्यों मैं पहला हूँ? बिनी, तुम उन सब में नहीं आते। क्यों? मेरे साथ आओ स्टेला। चलो मैं। तुम मेरे साथ आओ। बिनी, बैग कमरे में रख देना। You know, जब मैंने यूनिवर्सिटी को अपने इंडिया के विजिट के बारे में बताया तो मुझे लगा मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मेरे पिताजी ने कहा। पिताजी? डैडी डैडी। नो नो डैडी, पिताजी। पिताजी ने कहा तुम जाके विली के साथ रहो, वो तुम्हें भारतीय संस्कृति के बारे में सब कुछ बता देगी। हाँ, मैंने भी यही सपना देखा था कि मेरी एक बहन हो जिसके साथ मैं रहूंगी, खूब सारे बातें शेयर करूंगी और सब कुछ शेयर करूंगी, ज्वेलरी लिपस्टिक। मालूम है मालूम है, इसीलिए इसकी दादी इसको तुमसे दूर लेकर गई है, लिपस्टिक की बच्ची। शट अप। मुझे बताओ ना दिवाली के बारे में, संस्कारों के बारे में। हाँ मैं बताती हूँ ना, यू सी दिवाली इज अ वेरी बिग फेस्टिवल। अच्छा? हाँ। दिवाली क्यों मनाई जाती है? ऐसे ही टाइम पास। नो नो, आई मीन दिवाली क्यों और कब मनाई जाती है? बचपन से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है दिवाली मनाता है। नो नो, आई मीन लाइक 15 अगस्त, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष में और दिवाली किस उपलक्ष में? उपलक्ष क्या है? वो राक्षस था ना, क्या नाम है उस इडियट का? नरकासुर, उसे मारा गया था। किसने मारा? भगवान ने, भगवान ने। कौन से भगवान ने? भगवान तो एक ही होता है ना, उसी ने मार दिया। कैसे मारा? अरे पूछो मत, ऐसे मारा कि दे धना धन, फुल मर्डर, खलास। प्लीज जरा डिटेल्स बताइए ना, यू नो अमेरिका में इन सब चीजों के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। देखो अब तक किसी को कोई डिटेल्स पता नहीं, लेकिन पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। हाँ, पूरा विश्वास है कि अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। खैर, एनीवे अगला प्रश्न, संस्कृति की विशेषता क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या क्या है? अरे पूछो क्या नहीं है, सब खासम खास है, विशेष ही विशेष है, लिख दो। ओके,
यू नो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर. हम शांति और अहिंसा में विश्वास रखते हैं. वाह विकी, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ ना. योगा 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 इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी गिफ्ट योगा. लेकिन योगा तो सुबह को करते हैं ना? तो अभी सुबह ही तो है ना. इट्स 8 o'clock. सुबह माने 5 बजे. 5 o'clock. हाँ एक्चुअली मैं 5 बजे से अभी तक कर रहा हूँ ऐसे. सुना है यहाँ का सुबह बहुत सुंदर होता है. देखी किसने है? होता है, होती है सुबह, होती है सुबह का लाल रंग, सूरज का सुनहरापन. मार्वेलस. यू लाइक इट? एक्चुअली आई लाइक ग्रीन कलर आल्सो. ग्रीन ग्रीन कार्ड, ग्रीन टी शर्ट, ग्रीन शॉर्ट्स, ग्रीन लीव्स, ग्रीन ग्रास, ग्रीन कार्ड एक्सेट्रा. सुना है यह हर इंडियन पादाशी योगा टीचर होता है. सही सुना है, सही सुना है. देखो भी मैंने किसी से सीखा तो नहीं, मगर मैं तो बहुत लोगों को सिखाता हूँ ऐसे ऐसे. आप योगा टीचर हैं? योगा सिखाते हैं? यस. तो फिर आप यहाँ क्यों सर रहे हैं? अमेरिका में योगा टीचर का बहुत डिमांड है, आपको तो वहाँ होना चाहिए. लेकिन जाऊँगा कैसे? मैं तो एक असली हिंदुस्तानी योग का उदाहरण हूँ. दिमाग है, टैलेंट है, मगर जेब खाली है. अब देखो ना, इसीलिए मैं सोचता हूँ किसी ग्रीन कार्ड वाले के साथ शादी हो जाए तो बस. राइट, कोई है नजर में? हाँ नजर में तो है, मगर पता नहीं उसकी नजर में मैं हूँ कि नहीं. विकी, वो मेरी बहन पर बुरी नजर डाल रहा है. ये अमेरिका जाएगा और मैं यही रहूंगी? शख्स की नजर से देखता है. शादी एक मजाक बन गया है. जस्ट गेम यू नो. मगर हमारी शादी मजाक नहीं होगी, वो तो रिश्ता होगा, नाजुक बंधन, एक वादा होगा 7 जन्म का. स्टेला हमारी शादी. हमारी? हमारी मतलब हम इंडियंस की, हम इंडियंस की. और मैं एक 100% शुद्ध भारतीय युवक हूँ. ओह हाउ स्वीट. विकी वो तो इम्प्रेस हो रही है. अभी बताती हूँ, चल चलो. हाय विनी. हाय. यू आर डूइंग योगा? मैं तो रोज करता हूँ ना, यू नो इट यार. स्टेला यू नो ये बहुत अच्छा योगा करता है. अरे इसने तो कई अवार्ड्स जीते. क्या बात है, आज तुम मेरी तारीफ कर रही हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? विनी विनी वो आसन करके दिखाओ ना, वो चक्रासन. चक्रासन? वो क्या होता है? नहीं नहीं स्टेला, वो तुमसे शर्मा रहा है, बोलो ना उसे. विनी प्लीज कम ऑन, कम ऑन यार. विनी मान जाओ ना. अरे चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ. ऐसे बैठते देखो स्टेला. अरे 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 अब हम यहाँ से जाते हैं, उसे एकांत की जरूरत है. या योगा में तो कंसंट्रेशन का जरूरत होता है ना. यस यस, चलो चलो चल चलो चलो. मेरे पांव तो छोड़ो. विनी अब जब तक स्टेला यहाँ से नहीं जाती तुम इसी तरह बैठे रहोगे, समझे? अरे तक मेरे पांव दो. तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए. मेरी बहन यहाँ हमारी इतिहास और संस्कृति पढ़ने आई है और तुम दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हो. अरे पर यही तो हमारी खासियत है, हमारे गौरवशाली इतिहास का हर एक पन्ना आपसी लड़ाई झगड़ों से ही भरा है, समझी? क्या? लेकिन क्या यही इतिहास यहाँ दोहराना जरूरी है? देखो मेरी बहन दिवाली के दिन अजंता एलोरा जा रही है और उससे पहले हम दिवाली कैसे मनाते उसका ग्रैंड रिहर्सल दिखा रहा है. ओके? ग्रैंड रिहर्सल? अरे मतलब हम मिठाइयां कैसे बांटते हैं, भाई बीज कैसे करते हैं, लक्ष्मी पूजन कैसे करते हैं और पटाखे कैसे फोड़ते हैं. पटाखे? कश्मीर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बम फटते हैं.
मैचिंग लिपस्टिक या नेल पॉलिश है तुम्हारे पास? विली, विली मुझे डर लग रहा है, तुम ये बदल क्या हो ना? लगता है टीवी में अनाउंसर है। एनीवे, अब तो हमें अंदर जाकर मिठाइयां ही खानी है ना? चलो विली, तुम मेरे साथ चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे चलो ना यार। गुलू 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 चलो चलो गुलू 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 स्टेला, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? जिसका दिल जला हुआ होता है उसे पटाखों से क्या डरना? महाराष्ट्र की एक रस्म पाड़वा है। एक मिनट, इसे क्या हो गया था? ये देखो, पाड़वा के दिन पति अपनी पत्नी को साड़ी प्रेजेंट करता है। So sweet. अच्छा, देखो विनी, अमेरिका में लड़कियां साड़ी नहीं पहनती। पति पत्नी एक दूसरे को सिर्फ डिवोर्स देते, साड़ी नहीं। और वैसे भी चला को पति पत्नी के फेस्टिवल्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर ये साड़ी का क्या करूं, कैसे दूं? डोंट वरी विनी, अभी भाई दूज का वो डेमोन्स्ट्रेशन बाकी है। भाई दूज? हाँ, बहन अपने भाई को प्यार से पहले यहाँ बिठाती है और फिर बहन अपने भाई की आरती उतारती है। चलो 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 चला, तुम भी उतारना। और देखो, भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मगर मैं कुछ अपवित्र रिश्ता रखना चाहता था। टूटने से क्या फायदा? ये सोचो कि स्टेला को क्या गिफ्ट दे। एक और गिफ्ट? अभी तो साड़ी दी। लेकिन हम तीनों की ओर से एक गिफ्ट देना चाहिए कि नहीं? 2 रुपए का कार्ड दे देंगे। वो भी खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद बनाकर दे देंगे, 2 रुपए बच जाएंगे। क्या? पहले तो तुमने उसे एक महंगी साड़ी दी थी। वो तो पहले ना, तभी तो रिश्ता कुछ और था। अब तो बहन बन गई है तो बहन के लिए तो 2 रुपए भी बहुत होते हैं। ओके ओके, चलो विकी को बुलाते, कम ऑन। पर विकी है कहाँ? सो, क्षमा, शांति, अहिंसा, ये सब हमारी खासियत है। इन सब को हमें डिटेल्स में स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए 4 हफ्ते काफी नहीं है। हमें पूरा 1 साल एक साथ बिताना पड़ेगा, कहीं पे भी ना, ऐसे हो वेश, यहाँ वहाँ, 1 साल। ओके, व्हाट अबाउट हिस्ट्री? अरे उससे तो 5 साल लगते हैं समझने में, गौरवशाली इतिहास है ना। लेकिन मैं तुम्हें 1 साल में समझा सकती हूँ। लेकिन इसके लिए भी हमें 1 साल एक साथ रहना पड़ेगा ना, ऐसे वेश, कहीं पे भी, यहाँ वहाँ। काश मैं यहाँ 1 साल रह पाती, काश मैं 1 साल वहां रह पाती। स्टेला, कहीं कोई स्कॉलरशिप वगैरह का इंतजाम नहीं हो सकता? पिताजी से पूछना पड़ेगा। वैसे आई थिंक 6 महीने तक का इंतजाम हो सकता है। कैसे कैसे? मेरे पिताजी यूनिवर्सिटी में डीन है, वो तुम्हें स्टडी ट्रिप पे बुला सकते हैं। सच? हाँ। चलेगा चलेगा, 6 महीने अमेरिका में। तुम ना अपने क्वालिफिकेशन मुझे लिख के दे दो, मेरे डैडी का पिताजी का फोन आएगा, मैं उनसे बात कर लूंगी। जरूर जरूर भेज दूंगी। 6 महीने अमेरिका में रह के किसी ग्रीन कार्ड होल्डर वाले को तो पटा ही लूंगी, फिर तो सारी जिंदगी अमेरिका में। वाह, ये मौका मुझे मिला तो 1 हफ्ते में इतना इम्प्रेस हुई, 6 महीने में तो पूरी पटा लूंगा। 6 महीने में सारा अमेरिका खरीद कर ले आऊंगी। तो अब हम त्याग और अहिंसा के बारे में चर्चा करेंगे। त्याग के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं, इस अपॉर्चुनिटी को त्याग कर दो और मुझे दे दो। स्टेला को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि त्याग क्या है। एक मिनट, हिंदुस्तान का त्याग करके मैं स्टेला को सिखा दूंगा कि त्याग क्या चीज होती है। ओके? अरे चलो हटो यहाँ से, शक्ल देखिए आईने में, योगा टीचर। ये तुम चुप रहो, फिलोसफी मत झाड़ो, झूठी मकार, तुम क्या सिखाओगी फिलोसफी? अरे तुम्हारी फिलोसफी तो एक ही है, हड़प लो हड़प लो। अरे वाह, मेरी है, मैं अमेरिका जाऊंगी, समझे? अरे तो टीका लगाया, साड़ी दी, तो अब तो मेरी भी बहन हुई है, मैं जाऊंगा। अरे बहन तुम्हारी होगी, अमेरिका तो तुम्हारा नहीं है ना। प्लीज आप लोग ऐसे मत कीजिए। तू तो गधा है, गधा, तू अक्ल का गधा है। तू मुझे तू बोलती है, तू तो गिरगिट है, गिरगिट। पहले ये बताओ कि गिरगिट क्या है। अरे ओ खटमला,
अरे ओ बेअक्कल लोग, देश वहां जाके अपने देश की इज्जत निकालोगे क्या? अरे हम वहां कपड़े पहन के जाएंगे। आई गो टू अमेरिका। आई मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। अरे तुम क्या जाओगे? मैं जाऊंगा सब तुम्हारी वजह से। फ्रेंड्स, मैंने पिताजी से बात की, उनका यहाँ रात को फोन आएगा, आप लोगों में से जो वहां जाना चाहता है उनसे बात कर ले, मैं आपके बीच में नहीं आएगी। गुड नाइट। नहीं विकी, डोंट बी सो सेल्फिश। फॉरेन रिटर्न बनकर सबकी नजरों में उठ जाओगी मगर अपनी नजरों में गिर जाओगी। नो विनी, नो नो। तुम योगा का वाइब भी नहीं जानते। झूठ बोलना पाप है पाप। उसका फल चाहे जितना भी मीठा हो, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। ना विली, दोस्ती भी एक चीज होती है। दोस्तों का दिल दुखाकर तू क्या एंजॉय करेगी? ना ना, नो। स्टेला, तुम हमसे नाराज होके तो नहीं जा रही हो ना? नो नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डैडी से सॉरी कह देना। यू नो, डैडी को जब मैंने बोला कि तुम लोग अमेरिका ट्रिप के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले हो, तो उन्होंने मुझे कहा तुम में से कोई भी फोन नहीं उठाएगा। ऐसा उन्होंने कहा था? हाँ, और पिताजी मुझे बोले कि सच्चा भारतीय हालात से मजबूर है और वही हालात उसे लड़ने मरने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन वो इतना स्वार्थी नहीं है कि प्यार, दोस्ती और अपनापन की कीमत देकर उसके बदले में खुशियाँ खरीदे। नो नो, नेवर। ओ स्टेला। ओ या, और यही है रियल इंडियन कल्चर। यू आर सो स्वीट। हाँ, और मैं वहाँ जाके सबको बताऊंगी कि इंडियन बड़े ही आदर्श होस्ट होते हैं। अरे बाप रे, उसको बोलो मत बताओ, वरना पूरी अमेरिकन टूरिज्म यहाँ आ जाएगी, फिर वही डेकोरेशन, वही मिठाइयाँ, वही कॉस्ट्यूम। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय। लाओ मैं उठाता हूँ, लाओ मैं उठाता हूँ। ओह यू सो स्वीट, ओह सो क्यूट। नहीं नहीं, आई एम एन इंडियन। ओके, थैंक यू। बाय 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 स्टेला। इसके आने से तो एक फायदा तो हुआ। क्या? हाँ, कि हमें पता चला कि इंडियन कल्चर क्या होता है। हाँ, प्यार, दोस्ती, अपनापन। दोस्तों, तो आज का हमारा दिवाली संदेश है आपके लिए भी,